बदमाशों और चोरों पर नकेल कसने के लिए करनाल पुलिस आधी रात को सड़कों पर उतरी है। पुलिस ने चलाया स्पेशल चेकिंग अभियान। नाइट डोमिनेशन के तहत करनाल पुलिस अलग अलग चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान करती हुई जरूर नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें करनाल के सेक्टर 13 चौक के नज़दीक से। आप देख सकते हैं जो पुलिस है लगातार गाड़ियों की चेकिंग करती हुई जरूर नज़र आ रही है। रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जो बदमाश हुड़दंगबाजी करते हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको नकेल कसने के लिए करनाल पुलिस द्वारा करनाल के हर चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात है। और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें करनाल के सेक्टर 13 पुलिस पोस्ट के बिल्कुल सामने से। आप देख सकते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव के जो हादसे होते हैं उनको रोकने के लिए, उनका चालान करने के लिए, उनको एक तरीके का सबक सिखाने के लिए आज नाइट डोमिनेशन चलाया जा रहा है। करनाल पुलिस की मुस्तैदी देखी जा रही है। करनाल शहर के अलग अलग चौराहे पर चलाया जा रहा है नाइट डोमिनेशन। जिला पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और अपराधों की रोकथाम के लिए नाइट डोमिनेशन को चलाया गया है। आप देख सकते हैं जो भी पुलिसकर्मी हैं यहाँ पे लगातार गाड़ियों की चेकिंग करते हुए जरूर नज़र आ रहे हैं। आधी रात का समय है, लगभग रात के 2 बजने को आए हैं। आप देख सकते हैं जो पुलिस है पूरी मुस्तैद है, जगह जगह पर नाके लगाकर वहां से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी लेते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें करनाल के सेक्टर 13 इलाके से। आप देख सकते हैं जिला सचिवालय के बिल्कुल सामने का यह इलाका है जहाँ पर पुलिस जो है गाड़ी की छानबीन करती हुई तलाशी लेती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उनको रोक कर उन पर पूछताछ भी करते हुए जरूर नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी की डिग्गी को खुलवा कर चेकिंग करते हुए पुलिस की टीमें आपको नज़र आ जाएंगी। आप देख सकते हैं करनाल में जगह जगह पर चौक चौराहे पर पुलिस जो है मुस्तैद है और लगातार गाड़ियों की चेकिंग करते हुए ज़रूर नज़र आ रही है। हालांकि एक टैक्सी को रोका गया था, उसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया तो उसे जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि करनाल के जो महिला पुलिस है वो भी गश्त व नाकेबंदी में ज़रूर नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं नाइट डोमिनेशन के दौरान जो महिला पुलिस जो यहाँ के इंचार्ज हैं सेक्टर 13 पुलिस पोस्ट की, वाहनों की चेकिंग तथा जो वाहन चालक हैं उनसे पूछताछ करती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 13 पुलिस पोस्ट के सामने से। आप देख सकते हैं जो भी गाड़ी रुक रही है पूछताछ करके जाने दिया जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हरियाणा के जिले करनाल से नाइट डोमिनेशन अभियान का उद्देश्य रात में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने का होता है। आपराधिक तत्वों के अंदर कानून का भय पैदा करते हुए आमजन की सुरक्षा रखना होता है। नाइट डोमिनेशन करने पर आपराधिक और असामाजिक तत्वों में इस बात का भी भय बनता है ताकि वह कोई भी गलत काम ना करें।